हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे एक सिट डाउन वीडियो बना के, और आज के वीडियो का टॉपिक भी थोड़ा सा डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग है। सो आई हैव बीन पोस्टिंग व्लॉग्स लेटली, बट मैंने सोचा कि फैशन कंटेंट भी अब मुझे ऐड करना चाहिए ज़्यादा। सो प्लीज़ इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझे बताइएगा अगर आप फैशन रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। सो या इनफ ऑफ टॉकिंग इन द इंट्रो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो टॉपिक है वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल देख के, इट्स रीयूजिंग योर ओल्ड साड़ीज इन 9 डिफरेंट वेज। हमारे पास कितनी सारी साड़ियाँ हैं, जैसे कि अभी मैं ये पहन के बैठी हूँ, ये मैंने एक बार पहनी थी मेरी एंगेजमेंट में, उसके बाद मैंने ये नहीं पहनी। आज वीडियो के लिए यू नो जस्ट थॉट कि रेडी हो जाती हूँ क्योंकि साड़ियों पे बात करने वाली हूँ। तो सो ऐसी कितनी सारी साड़ियाँ हैं, महंगी महंगी साड़ियाँ नॉट टू फॉरगेट, जो हम खरीदते हैं एक दो जगह पहनते हैं एंड देन वी गर्ल्स आर लाइक नहीं यार ये तो सबने देख लिया है दोबारा, लाइक दूसरी चाहिए। सो दैट यूजुअली हैपेंस। सो आई जस्ट थॉट कि जो पुरानी हो जाती है साड़ियाँ रखे रखे क्लॉजेट में, उनको हमें रीयूज़ करना चाहिए, मैक्सिमाइज करना चाहिए जितना भी हो सके हमारे क्लॉजेट को, सो दैट यू नो जितने भी चीज़ों में हमने इन्वेस्ट किया है उसका हम लोग लाइक टोटल पैसा वसूल कर सके। सो वही 9 तरीके मैं आपको बताऊंगी जिनसे आप अपनी पुरानी साड़ियों को रीयूज़ कर सकते हैं। सो आई हैव इट हियर इन माई डायरी, मैं सब कुछ लिख लेती हूँ सो दैट आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग। सो द वेरी फर्स्ट वे इन विच यू कैन रीसाइकल रीयूज योर साड़ी इज कि आप साड़ी का स्कर्ट या फिर लहंगा ही बनवा लीजिए। सो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, वैसे तो स्टिचिंग के बिना भी ऐसे ऐसे आप करके पहन सकते हो। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, बहुत पुराना वीडियो है, लेकिन मैं यहाँ पे नीचे लिंक डाल दूंगी या फिर आई बटन पे लिंक डाल दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। नाउ आपके पास जो शिफॉन जॉर्जेट की सॉफ्ट मटेरियल फ्लोई मटेरियल की जो साड़ियाँ हैं आप उससे लहंगा बना सकते हो, अदरवाइज जो बनारसी टाइप की सिल्क टाइप की जो साड़ियाँ होती हैं जैसे कि अभी मैंने एक पहन रखी है, इनका भी एक बहुत ही ज़्यादा हैवी लुकिंग लहंगा आप बना सकते हो। टेलर के पास जाइए, लहंगा बनाइए, अच्छी कलियों वाला लहंगा बनाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड उसके साथ जो आप टॉप लीजिए वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर का ले लीजिए, कुछ सिमिलर कलर से यू नो इतना ज़्यादा ग्लो अप नहीं आता, इतना निखरता नहीं है। सो कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज़ आप उसका बनाइए, और अगर आजकल जो काफ़ी ट्रेंडी है क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट आप बना रहे हो तो उसका आप क्रॉप टॉप बनवा सकते हो, जैसे भी आपको स्टाइलिश पसंद हो। सो द फर्स्ट वे इज़ टू मेक अ स्कर्ट और लहंगा आउट ऑफ योर साड़ी। नाउ सेकेंड है प्लाजोज। यस, सो आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर वाले और स्ट्रेट भी जो होते हैं प्लाजोज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हैं, और आजकल तो ब्रोकेड के फैब्रिक के भी बन रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई ब्रोकेड की साड़ी हो या फिर अगर नॉर्मल प्रिंटेड फ्लोई मटेरियल जैसे कि मैंने बोला जो कि समर्स में परफेक्ट रहेगा, तो आप वैसे कुछ प्रिंटेड प्लाजोज भी बनवा सकते हो या सिगरेट पैंट्स भी बनवा सकते हो, और उसके ऊपर आप उसको पेयर अप कर सकते हो प्लेन कुर्ती के साथ, क्योंकि अगर नीचे काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा तो ऊपर प्लेन ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिस इज़ व्हाट आई फील। एंड देन आप अच्छे से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड एवरीथिंग के साथ उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टाइल भी कर सकते हो, तो आप अपनी साड़ी को प्लाजोज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। थर्ड वे जिसमें आप साड़ी को रीयूज़ कर सकते हो वो है अनारकली सूट्स। तो अनारकलीज आर लाइक नेवर आउट ऑफ फैशन, उनके पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं लेकिन वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाते। तो एक अच्छी यू नो लंबी साड़ी, अच्छे वर्क वाली, एक रिच क्वालिटी जो आपको ऐसा लगता है यार ये बहुत बार पहन ली है लेकिन फेंकने का मन नहीं कर रहा है, किसी को देने का मन नहीं कर रहा है, तो उसने एक अच्छा सा अनारकली सूट बनवाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इनफैक्ट जो फुल स्लीव्स वाले अनारकली सूट्स होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एकदम प्रॉपर पूरा ऐसे लाइक मिड काफ लेंथ तक या उससे भी लंबा अगर बन जाए आपकी साड़ी में तो डेफिनेटली गो फॉर इट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एंड यू कैन रीयूज़ इट। साड़ी अगर हैवी होगी तो आप उसको किसी यू नो एज अ वेडिंग गेस्ट किसी फंक्शन में भी पहन सकते हो, सो दैट इज़ देयर। देन अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट जो जिस तरीके से आप साड़ी को रीयूज़ कर सकते हो वो है हैवी ब्राइडल ब्लाउजेज। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो साड़ी है तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इसका जो ब्लाउज़ है ये प्लेन है, इसी के साथ आया था प्लेन है, आप इसको वाइस वर्सा कर सकते हो, आप ये जो साड़ी अगर आप बोर हो गए हो तो साड़ी से ब्लाउज़ बनवा लीजिए एकदम हैवी वाला, या फिर कोई क्रॉप टॉप पूरा ऐसे बनवा लीजिए जिसके साथ आप प्लेन स्कर्ट या फिर ना बहुत ही मिनिमल वर्क या बॉर्डर वाली स्कर्ट को पेयर अप कर सको, या तो ब्लाउज़ बनवा लीजिए जिसके साथ आप यू नो साड़ी बॉर्डर वाली साड़ी को या फिर प्लेन साड़ी को पेयर अप कर सको, बिकॉज अगर ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा हैवी होगा तो साड़ी प्लेन अच्छी लगेगी, सो दैट यू नो ज़्यादा गॉडी ना लगने लगे एकदम से।
एंड नाउ ऐसा भी हो जाता है कि यार साड़ी तो इतनी बढ़िया है, इतना सब ब्लाउज बनाना है, बाकी की साड़ी का हम क्या करेंगे. सो दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर मॉमीज. आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हो, लाइक छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे लहंगा चोली आते हैं ना, वो बना सकते हो फॉर डॉटर्स एंड सन्स के लिए भी. आजकल तो मैंने देखा है, मेरी शादी रिसेंटली हुई एंड आई सॉ कि बच्चों के लिए भी बहुत ही ब्रोकेड वर्क के कपड़ों की शेरवानी एंड लहंगा वगैरह मिलने लगे. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट वन, इससे कपड़ा भी बच जाएगा एंड देन यू गाइज कैन ट्विन. देन अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लॉन्ग लाइन जैकेट्स. सो यू नो कितनी ट्रेंडी है एक अच्छा सा ट्यूब टॉप या क्रॉप टॉप, फ्लोई सा लहंगा और ऊपर से पूरा ऐसे यू नो फुल स्लीव वाला लॉन्ग जैकेट. तो अगर आप कोई ब्रोकेड वर्क, बनारसी, आर्ट सिल्क ऐसी या फिर शिफॉन ऐसे में कोई यू नो लॉन्ग लाइन जैकेट बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा. अगर आप शिफॉन के मटेरियल की जो हल्की वाली जो साड़ियाँ आती है उनका बना रहे हो तो आप वो वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न लुक्स के लिए भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, लाइक पैंट्स के साथ क्रॉप टॉप एंड ऊपर से. इट विल गिव अ रियली गुड एथनिक, बोहो एथनिक इंडो वेस्टर्न लुक. सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड कंसिडर क्रिएटिंग अ लॉन्ग लाइन जैकेट आउट ऑफ योर ओल्ड साड़ी. नेक्स्ट जो है, आप स्ट्रेट कुर्ती बना सकते हो. जैसे आप अनारकली कुर्ती बनाओगे वैसे आप एकदम स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ती बना सकते हो, जिसको आप सिगरेट पैंट्स के साथ डेफिनेटली पेयर अप कर सकते हो. बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है. मुझे तो स्ट्रेट लॉन्ग कुर्तीज इतनी ज़्यादा पसंद है ना, दे गिव सच अ क्लासी लुक, बहुत अच्छी लगती है. एंड देन यू कैन पेयर इट अप विद यू नो डिज़ाइनर बॉटम्स, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड अगर हैवी वर्क होगा तो नीचे मेक श्योर कि आप कोई भी पैंट ले, सिगरेट पैंट, वो प्लेन हो या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें काम भी हो तो नीचे कुछ अच्छा सा बॉर्डर या लेस लगा हो तो वो बहुत अच्छा लगेगा. सो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो. अब इतनी बनारसी 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 हम लोग ने बोल ही दिया है, तो आप बनारसी साड़ियों का बनारसी दुपट्टा भी बना सकते हो. जब मैं बहुत थक जाऊंगी ना ये सारी साड़ियों से, बहुत ऐसे पुरानी हो जाएंगी एंड देन मेरा फेंकने का मन नहीं होगा, मैं उनको काट दूंगी एंड मैं उनको यूज़ करूंगी अपने दूसरे सूट्स के साथ कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टा के जैसे, बिकॉज दे लुक सो रिच एंड बिकॉज दे आर सो एक्सपेंसिव एंड गुड क्वालिटी. तो वो ख़राब भी नहीं होते हैं, इट्स जस्ट दैट यू जस्ट गेट बोर्ड वेयरिंग देम. तो आप बनारसी दुपट्टे में डेफिनेटली यू नो कन्वर्ट कर सकते हो अपनी साड़ी को. एंड एक बनारसी दुपट्टा तो मस्ट हैव है ही आपके वार्डरोब में, बिकॉज अब तो फैशन ट्रेंड्स इतने बढ़ गए हैं, बट देर आर फ्यू थिंग्स देर आर क्लासिक. तो क्लासिक को यू नो हमेशा यू हैव टू हैव अ टाइट ग्रिप ऑन क्लासिक्स. तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई बनारसी दुपट्टा. और अगर आपकी नेट की साड़ी है, जैसे कि हाँ बहुत ही प्रिटी सी फेमिनिनसी नेट की साड़ी है, तो आप उसको भी कटवा के नेट का दुपट्टा बना सकते हो. कॉटन की साड़ी का कॉटन का दुपट्टा बना सकते हो. आई थिंक दुपट्टा तो सारी ही साड़ियों से बना सकते हो. इनफैक्ट ये जितनी भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो सारी साड़ियों सारी मटेरियल से आप बना सकते हो. जस्ट डिफरेंट ये होगा कि ब्रोकेड का और जो बनारसी होगा वो पार्टी वेयर टाइप का होगा, और जो शिफॉन अच्छे सॉफ्ट मटेरियल का विल बी लाइक आइडियल फॉर समर्स. सो दैट इज़ द डिफरेंशिएटर. देन अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो स्टिच वेस्टर्न स्कर्ट्स. तो मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट में देखा था, अगर मुझे गूगल पे मिलता है ना तो मैं यहाँ पे ज़रूर लगा दूँगी. पेंसिल स्कर्ट था, पूरा काव लेंथ बट ब्रोकेड का था एंड इट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड ऑल्सो अगर आपको वैसा नहीं भी बनवाना है तो फ्लैट वाले जो स्कर्ट्स आते हैं ना, लाइक एकदम जो वेस्टर्न लुक देते हैं फ्लैट वाले, जैसे कोई प्लेन साड़ी हो गई आपकी सिल्की, तो आप उससे बनवा सकते हो. उसके ऊपर अच्छा सा क्रॉप टॉप एंड अच्छा सा यू नो चोकर एंड ऑल पहन के यू लुक ग्रेट. नाउ द लास्ट वन इज, सो दिस इज़ अ वेरी न्यू ट्रेंड आई थिंक. अभी मैंने ना बहुत ज़्यादा ये नहीं देखा है, बट कुछ कुछ जगह पे मैंने ऐसा देखा है कि जो नेट की साड़ी होती है ना या ऑर्गेन्जा की साड़ियाँ होती हैं, वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है एंड पतली भी होती है. तो यूजली हम पहले कैसे होता था, सैटिन का पेटीकोट पहनते थे अंदर, सैटिन का था कि ना अच्छा ग्लॉसी वाला फिनिश थे. बट नाउडेज मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर एंड प्रिंटेड पेटीकोट बनने लगे हैं. मैंने मेरी मॉम को भी एक सेंड किया था, लेट्स सी अगर गूगल पे मिलता है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, कि जो पेटीकोट है पूरा ऐसे प्रिंटेड है, उसके ऊपर जो साड़ी है वो एकदम ही ट्रांसपेरेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट बनाता है. सो यू नो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. आई माइट ट्राई इन फ्यूचर बिकॉज नाउ आफ्टर गेटिंग मैरिड मैं अभी कलेक्ट कर रही हूँ धीरे धीरे इंडियन वेयर अपने पास. सो आई माइट गो फॉर इट एंड डेफिनेटली खरीदूंगी, तो आपको तो पता चल ही जाएगा, मैं वीडियो शेयर करूंगी. सो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, अभी यू नो इमर्जिंग फैशन ट्रेंड है, आप कंसिडर कर सकते हो उस चीज़ को.
सो दीज वर द 9 ऑप्शन जिसमें आप अपनी पुरानी साड़ियों को रीयूज कर सकते हो एंड अपना पूरा पैसा वसूल कर सकते हो. सो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल रहा होगा. आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग मोर वीडियोज लाइक दिस कि स्टाइल कैसे करना है, रीयूज कैसे करना है, सो दैट जो मिनिमल वार्डरोब एसेंशियल्स जो होते हैं ना उसके साथ ही आप मिक्स एंड मैच करके काफ़ी सारे आउटफिट्स क्रिएट कर सके. सो आई थिंक उससे सबकी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल बटन को भी हिट कर दीजिए सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.